हाय, मेरा नाम सविता कंसवाल है, मैं 25 साल की हूँ और मैं एक माउंटेनियर हूँ। मैंने 9 एक्सपेडिशंस कंप्लीट किए हैं, जिसमें सबसे पहले है माउंट द्रौपदी का डांडा, माउंट तुलियान, माउंट कोलाहाई, माउंट लबूचे, माउंट CB13, माउंट CB14, माउंट त्रिशूल और माउंट लोत्से, जो कि दुनिया की चौथी हाईएस्ट पीक है। और अब मैं क्लाइम करने जा रही हूँ माउंट एवरेस्ट। पहाड़ी लोग होते ही स्ट्रांग हैं, और अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरा जो स्कूल भी था वो 4 किलोमीटर घर से पैदल था। स्कूल से एक एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स था हमारा, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज था, वो मैंने किया। और वहां से मुझे पता चला कि माउंटेनियरिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है, जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। तो बस कहीं ना कहीं मन में आया कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है, एक जहन था मन में कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है। देन मैंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से स्टार्ट। 21 लाख रुपये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और मैं इस अमाउंट को दोबारा से कभी इकट्ठा नहीं कर सकती हूँ। और वो जो वीक पॉइंट था, उसी वीक पॉइंट को मैंने अपना स्ट्रांग पॉइंट बना लिया। और मेंटली मैं कभी नहीं हारी, फिजिकली मैं बेशक हारी होंगी, बट मैं मेंटली कभी नहीं हारी। और कंटिन्यू मैंने अपने उस सपने को पूरा करने के लिए अपने घर वालों को देखा, अपना जो स्थिति थी घर की वो देखी, और मेरा सक्सेसफुली फिर लोत्से क्लाइम हुआ। इस मोमेंट पे मैं लिटरली बताऊं तो मेरे आंसू निकल रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। स्टार्ट किए और सारे कोर्सेज मैंने कंप्लीट किए। 2016 में मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और 2019 में मैंने इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के साथ एवरेस्ट मैसिव अभियान के लिए अप्लाई किया था, जिसके अंतर्गत मैंने ये जो 9 एक्सपर्ट्स किए, ये मैंने IMF के अंतर्गत ही किए। तो 2021 में मैंने माउंट लोत्से क्लाइम किया। तो जब हम कैंप 3 से कैंप 4 के लिए जा रहे थे, समिट वाला जो लास्ट पुश था, वहाँ पे दिख रही है ये माउंट एवरेस्ट है, और जिसको मैंने अब क्लाइम करना है। मैं देहरादून आ गई थी, और मैंने कैफे कॉफी डे में मैंने जॉब करी है, मैंने रिलायंस फुटवेयर में जॉब करी है। तो एक 2016 तक की ये जर्नी थी, जिसमें मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 6000 मेरी सैलरी थी। मैं कुछ अपना भी खर्चा करना था, घर वालों को भी देना था, और अपने लिए पैसा भी बचाना था। तो उस ड्यूरेशन में मैंने थोड़ा थोड़ा करके एक ऐसी अमाउंट इकट्ठी की, जिसमें मैंने सारे डेड बॉडीज रहती है और हमें वो क्रॉस करके जाना होता है, बिकॉज हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम डेड बॉडी को साइड करके जाएँ। तो नेपाल गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया था कि डेड बॉडीज़ को 8000 मीटर से नीचे की जितनी भी डेड बॉडीज है वो नीचे लेके आ रही थी, और हम क्लाइम करने के लिए ऊपर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक अपने ही फैसले पे डाउट हुआ कि मैं गलत जगह तो नहीं आई हूँ, मतलब मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता था लोत्से में मुझे 21 लाख रुपए भारत सरकार ने मेरे पर स्पॉन्सर दिया था मुझे, तो मुझे पता था कि मैं एक इतने नॉर्मल फैमिली से हूँ, जो कि नहीं हो रहा था कि मैं फाइनली लोत्से के टॉप में पहुँच चुकी हूँ। एवरेस्ट से भी ज़्यादा टेक्निकल है ये, मैं बोलूँगी, क्योंकि एवरेस्ट नॉट अ ईजी, बट एवरेस्ट में क्या है, थोड़ा सा फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू लोत्से ज़्यादा है। एवरेस्ट में सपोज 400 लोग जा रहे हैं, बेस कैंप से समिट तक एक रोप फिक्स है, और 400 लोग जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही स्टेप बन जाते हैं, हम चल रहे हैं तो स्टेप बन जाते हैं। लेकिन लोत्से में बहुत कम, मुश्किल से 50 से 60 लोग साल में क्लाइम करते हैं। ये फोटो है जब मैंने माउंट लोत्से क्लाइम सक्सेसफुली क्लाइम कर लिया था। अच्छा। उसके बाद मैं नीचे आ रही थी, जो अपोजिट में आपको पीक दिख रही, मुझे जहाँ उम्मीद भी नहीं थी मैं वहाँ भी गई स्पॉन्सरशिप के लिए। मैं हर किसी के पास गई कि मुझे सपोर्ट करो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि क्यों माउंटेनियरिंग कर रहे हो, कुछ काम कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ और कर लो। और बहुत सारे लोगों की वजह से मैं डिमोटिवेट भी हुई हूँ, बट अंत भला तो सब भला। मैं यही बोलूंगी कि आप अपने जो आप सोचते हो और उसके पीछे आपने लगा रहना है, छोड़ना नहीं, तो डेफिनेटली जो आप सोचोगे, जो आप करोगे, वो आपको डेफिनेटली फिर आपको जरूर भगवान भी आपका साथ देगा। हाय, मेरा नाम सविता कंसवाल है, मैं 25 साल की हूँ और मैं एक माउंटेनियर हूँ। मैंने 9 एक्सपेडिशंस कंप्लीट किए हैं, जिसमें सबसे पहले है माउंट द्रौपदी का डांडा, माउंट तुलियान, माउंट कोलाहाई, माउंट लबूचे, माउंट CB13, माउंट CB14, माउंट त्रिशूल और माउंट लोत्से, जो कि दुनिया की चौथी हाईएस्ट पीक है। और अब मैं क्लाइम करने जा रही हूँ माउंट एवरेस्ट। पहाड़ी लोग होते ही स्ट्रांग हैं, और अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरा जो स्कूल भी था वो 4 किलोमीटर घर से पैदल था। स्कूल से एक एडवेंचर फाउंडेशन कोर्स था हमारा, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज था,
वो मैंने किया और वहाँ से मुझे पता चला कि माउंटेनियरिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। तो बस कहीं ना कहीं मन में आया कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है, एक जहन था मन में कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है। देन मैंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से स्टार्ट, 21 लाख रुपये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है और मैं इस अमाउंट को दोबारा से कभी इकट्ठा नहीं कर सकती हूँ। और वो जो वीक पॉइंट था उसी वीक पॉइंट को मैंने अपना स्ट्रांग पॉइंट बना लिया और मेंटली मैं कभी नहीं हारी। फिजिकली मैं बेशक हारी होंगी बट मैं मेंटली कभी नहीं हारी और कंटिन्यू मैंने अपने उस सपने को पूरा करने के लिए अपने घर वालों को देखा, अपना जो स्थिति थी घर की वो देखी और मेरा सक्सेसफुली फिर लोथ से क्लाइम हुआ। इस मोमेंट पर मैं लिटरली बताऊँ तो मेरे आंसू निकल रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। स्टार्ट किया और सारे कोर्सेज मैंने कंप्लीट किए। 2016 में मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट इंस्ट्रक्टर भी हूँ और 2019 में मैंने इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के साथ एवरेस्ट मैसिव अभियान के लिए अप्लाई किया था, जिसके अंतर्गत मैंने ये जो 9 एक्सपर्टेंस किए ये मैंने IMF के अंतर्गत ही किए। दो हज़ार 21 में मैंने माउंट लोथसे क्लाइम किया। तो जब हम कैंप 3 से कैंप 4 के लिए जा रहे थे, समिट वाला जो लास्ट पुश था, वहाँ पे दिख रही है ये माउंट एवरेस्ट है और जिसको मैंने अब क्लाइम करना है। में मैं देहरादून आ गई थी और मैंने कैफे कॉफी डे में मैंने जॉब करी है, मैंने रिलायंस फुटवेयर में जॉब करी है। तो एक 2014 से 16 तक की 2016 तक की ये जर्नी थी जिसमें मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 6000 मेरी सैलरी थी। मैं कुछ अपना भी खर्चा करना था, घर वालों को भी देना था और अपने लिए पैसा भी बचाना था। तो उस ड्यूरेशन में मैंने थोड़ा 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 करके एक ऐसी अमाउंट इकट्ठी की जिसमें मैंने सारे पे डेड बॉडीज रहती है और हमें वो क्रॉस करके जाना होता है बिकॉज हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम डेड बॉडी को साइड करके जाएं। तो नेपाल गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया था कि डेड बॉडीज़ को वो 8000 मीटर से नीचे की जितनी भी डेड बॉडीज है वो नीचे लेके आ रही थी और हम क्लाइम करने के लिए ऊपर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक अपने ही फैसले पे डाउट हुआ कि मैं गलत जगह तो नहीं आई हूँ, मतलब मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता था लोथसे में मुझे 21 लाख रुपए भारत सरकार ने मेरे पर स्पॉन्सर दिया था मुझे, तो मुझे पता था कि मैं एक इतने नॉर्मल फैमिली से हूँ जो कि नहीं हो रहा था कि मैं फाइनली लोथसे के टॉप में पहुँच चुकी हूँ। एवरेस्ट से भी ज़्यादा टेक्निकल है ये मैं बोलूँगी, क्योंकि एवरेस्ट नॉट अ ईजी, बट एवरेस्ट में क्या है थोड़ा सा फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू लोथसे ज़्यादा है। एवरेस्ट में सपोज 400 लोग जा रहे हैं, बेस कैंप से समिट तक एक रोप फिक्स है और 400 लोग जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही स्टेप बन जाते हैं, हम चढ़ रहे हैं तो स्टेप बन जाते हैं। लेकिन लोथसे में बहुत कम, मुश्किल से 50 से 60 लोग साल में क्लाइम करते हैं। ये फोटो है जब मैंने माउंट लोथसे क्लाइम सक्सेसफुली क्लाइम कर लिया था। अच्छा। उसके बाद मैं नीचे आ रही थी, जो अपोजिट में आपको पीक दिख रही, मुझे जहाँ उम्मीद भी नहीं थी मैं वहाँ भी गई स्पॉन्सरशिप के लिए। मैं हर किसी के पास गई कि मुझे सपोर्ट करो सपोर्ट करो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि क्यों माउंटेनियरिंग कर रहे हो, कुछ काम कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ और कर लो। और बहुत सारे लोगों की वजह से मैं डिमोटिवेट भी हुई हूँ, बट अंत भला तो सब भला। मैं यही बोलूंगी कि आप अपने जो आप सोचते हो और उसके पीछे आपने लगा रहना है, छोड़ना नहीं, तो डेफिनेटली जो आप सोचोगे